यूपी में काबा सीजन 2 गाने के बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर मुश्किलों में घिरी हुई है। यूपी पुलिस ने नेहा को एक नोटिस जारी किया है जिसमें उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। इसी मामले में अब नेहा ने चुप्पी तोड़ी है और खुलकर इस बारे में बात की है। मीडिया से बात करते वक्त नेहा ने कहा कि वो गायिका है और ऐसे गीत गाती रहेंगी। दरअसल नेहा ने कहा कि कानपुर देहात में जो कांड हुआ उसे पूरी जनता ने देखा है कि पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से बुलडोजर चला दिया गया और किस तरह आग में जलकर दोनों माँ बेटी की मौत हो गई। कानपुर कांड पर यूपी पुलिस ने असंवेदनशीलता दिखाई, उसको लेकर मैंने गीत गाया। उसी गीत को लेकर कानपुर देहात पुलिस एक नोटिस लेकर मेरे घर आ गई। अम्बेडकर नगर स्थित ससुराल में मेरे ससुर को नोटिस दिया, उसके बाद वो रातों रात दिल्ली आई और मुझे नोटिस थमा कर गई है। देख भी रहे हैं किस तरह से एक माँ बेटी को पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे और वो आग लग गई और माँ बेटी जो है जिंदा जल गई। तो उस कांड पे मैंने एक गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2 करके। उस गीत से कानपुर देहात पुलिस जो है काफ़ी जो है वो आ गई मेरे घर पे एक नोटिस लेकर के। सबसे पहले अम्बेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ मेरे ससुर जी को थमा दिया। वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी जीप भर के दिल्ली पहुँचाए। कल रात 8 बजे फिर से मुझे नोटिस दे दिया कि रिसीव करो। अब झूठ बोल के हिमांशु को फ़ोन करके, मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कि मैं UPSC स्टूडेंट बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है, इस तरह से जैसे क्रिमिनल को नहीं पकड़ने के लिए इस तरह से जाल बिछाया जाता है उस तरह से किया। फिर बाद में कहते नहीं हम कानपुर के हाथ से बोल रहे हैं, आप आइए और रिसीव करिए। इस तरह का आडंबर फैला करके वो नोटिस भेजा और ये सारी चीज़ें। नोटिस में बहुत ही ट्रिकी तरीके से सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। लोक गायिका ने आगे बताया कि यूपी पुलिस के नोटिस का जवाब वो वकील से बात करने के बाद देंगी। उन्होंने कहा कि मैंने यूपी में काबा गीत गाकर सवाल पूछा है, ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को पसंद है कि कोई सत्ता का गुणगान करे। मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ ले तो वो नोटिस भेज देते हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी में काबा सीजन 2 गाने के कुछ बोल भी गाकर सुना दिए। आपने ये गाना गाया है या नहीं, आपने ये किया है या नहीं, आपके सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया है या नहीं, ऐसे करके। तो नोटिस का जवाब मैं बिना वकील से बात किए मैं नहीं देने वाली हूँ। तो ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पसंद है कि सत्ता का गुणगान करे कोई तो भैया हाँ जी हाँ जी, और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। क्या सवाल गाने के जरिए क्या गीत क्या था वो? हाँ, मैं गीत सुनाती हूँ ना, आप सुनिए और आप खुद बताइएगा, मेरे दर्शक भी बताएंगे कि नेहा से कहाँ गलती हुई है जो कि किसी को नोटिस भेजने की जरूरत पड़ रही है। अरे बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा, कहाँ बा यूपी में काबा, अरे बाबा के DM तो बड़ी रंग बाजबा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा, अरे ही बुलडोजर वापे बाबा के नाजबा, काबा यूपी में काबा, कलक्टर ठुमके बाजबा, सटकल ओ कर्मी जाजबा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाजबा, काबा। गौरतलब है कि कानपुर देहात पुलिस ने नेहा को एक नोटिस जारी किया है जिसके तहत पूछे गए सवालों का 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। पुलिस का दावा है कि नेहा के गीत से सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब नेहा ने सरकार पर निशाना साधा हो, इससे पहले भी अपने गीतों से सरकार को वो निशाने पर लेती रही है। फिलहाल आने वाले वक्त में इस मामले में क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।